ताकि समाज को एक संदेश भी जाए और समाज इनसे जुड़ा भी रहे। और आप जैसे कलाकार छोटे हो ही नहीं सकते, आप जो कलाकारों को मंच जो दे रहे हैं ना, तो आपको इतनी दुआएं हैं। इन लोगों ने हरियाणवी संस्कृति को एक वजूद दिया है, एक साधना की है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। जब भी उनके पास गए वो ये पूछते हैं और क्या करना है, क्या कलाकारों के लिए और क्या करना है। बहुत आयोजित करने का मेन मकसद यही रहता है कि ये जो आज इन बिल्डिंगों के अंदर जो बच्चे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, उनके अंदर वो भाव पैदा कर। गोहाना के बाल भारती विद्यापीठ में लोक कलाकारों का जमावड़ा लगा है, और ये जमावड़ा किस तरह से लगा है, क्यों लगा है और क्या कुछ होने वाला है, बहुत कुछ खास चीजें हैं। खुद सांस्कृतिक मंत्रालय से भी हमारे साथ मौजूद हैं सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। इतने सारे कलाकार, इतनी विविधताएं, मतलब हम तो कभी देख रहे थे कभी पंजाब आ रहा है, कभी सिक्किम आ रहा है, कभी हरियाणा आ रहा है, क्या है ये चीजें और कुछ बताएंगे। ऐसा जी, लोक कला, जो मैं खुद एक छोटा सा कलाकार हूं और अपने जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग मानता हूं उसको। लोक कलाएं, ये जो आप जिनकी बात कर रहे हैं कि भी कोई सिक्किम के कलाकार आ रहे हैं या हरियाणा के आ रहे हैं, पंजाब के आ रहे हैं, ये हमारी लोक कलाएं ऐसी कलाएं हैं जिनको हम हमारे बाप दादा उन्होंने संजो के भी रखा और आगे चला रहे हैं। आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम इनको संरक्षित करें, इनका संवर्धन करें। तो उसके लिए कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मंच प्रदान किए जाएं। तो उसमें से आज एक झलक आपके सामने आप देख रहे हैं। तो यहाँ के सर आज क्या क्या चीज़ें हुई और इसका मकसद क्या था? मकसद सबसे बड़ा यही है कि मैं बार बार एक ही चीज़ बोलता हूँ, यूनान रोमा मिस्र मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। किसी देश को अगर समाप्त करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो, उसकी कलाओं को नष्ट कर दो, वो खत्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे उदाहरण विश्व में देखने लायक पड़े हैं, और भारत एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो सांस्कृतिक रूप से इतना सुदृढ़ है कि बहुत सारी कोशिशें हो गई, हर प्रकार से कोशिशें हो गई कि इसको तोड़ा जाए, लेकिन वही बात है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो जो हमारी लोक संस्कृति है इसको हम आगे बढ़ाने में प्रयासरत हैं। तो आज यहाँ पे हमें क्या कौन सी स्टेट आई, कितने पार्टिसिपेंट्स थे? यहाँ पे आज लगभग 5 राज्यों से लोग आए हुए हैं। अभी हमने जम्मू कश्मीर का भी देखा, पंजाब का देखा, हरियाणा का है, और हिमाचल की नाटी देखी आपने। तो इस प्रकार से ये कलाकार अपनी कला को संजोकर विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत करते हैं ताकि समाज को एक संदेश भी जाए और समाज इनसे जुड़ा भी रहे। बहुत बड़ी बात है। प्रकाश मल्लिक जी भी यहाँ पे हैं, बेहद सम्मान भी आज हो रहा था, और जैसा कि सर भी बता रहे थे, बहुत ही पुराना जो हरियाणा का धमाल है उसे आप अभी भी संजो के रखे हुए हैं। जी, वैसे मैं कॉलेज में सिखाता हूँ, धमाल मेरा परफेक्शन है, बाकी गर्ल्स का डांस भी मैं करवाता हूँ। ये हमारी बहुत पुरानी संस्कृति है, पहले बुधराम जी और ये शुरू में मनभूल सिंह डांगी जी हुआ करते थे, उन्होंने इन पे गीत लिखे थे, तब वो करते थे, वो स्टाइल दूसरा था। हमने उसका थोड़ा से रिफाइंड करके पेश करने की कोशिश की, सफल भी रहे, आगे भी कोशिश करते रहेंगे। क्या शुभकामनाएं आज दें? शुभकामनाएं तो इतनी है कि मनोज को जितनी शुभकामनाएं दें उतनी कम है, क्योंकि जो कोशिश इस लड़के ने की है वो बहुत सराहनीय है। और नागेंद्र सर, आपका योगदान काबिल तारीफ है, और कलाकार कभी छोटा नहीं होता, और आप जैसे कलाकार छोटे हो ही नहीं सकते। आप जो कलाकारों को मंच जो दे रहे हैं ना, तो आपको इतनी दुआएं हैं, गॉड ब्लेस यू, मैं तो यही कहूंगा। आपने कमाल का काम किया है, इसको और बढ़ाइए। किसी एक शहर में ना करवा के अलग अलग शहर में हर दिन जैसे बांट दिया जाए, कभी गोहाना में, कभी पानीपत में, कभी सोनीपत में, क्योंकि उनको भी हक है भारत की लोक कलाओं को जन जन तक पहुंचाने का। जो प्रचार और प्रसार आप कर रहे हैं ये काबिले तारीफ है, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। आप अपने काम में इसी तरीके से लगे रहे, मैं आपके साथ। वैसे प्रकाश सर, एक तो बात है, नागेंद्र सर ने एक मिथ तो तोड़ दिया है कि गोहाना जैसे छोटे शहर में भी इस तरह से पूरे देश से जो कल्चर है वो आ सकता है, और नो डाउट मनोज भाई का। तो मनोज जी कैसा लग रहा है, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आज गोहाना के एक मंच पे आपने इकट्ठा कर दी है? मैं बचपन से जब प्रकाश सर को देखता था और नागेंद्र जी का मैंने प्ले भी देखा था, तो मैं उस टाइम फर्स्ट ईयर में था, तब हम लोग केवल बैठ के मित्र मंडली हम यही सोचते थे कि कब इन लोगों को हम रूबरू
अच्छे से हम बैठ के बात कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो धीरे धीरे वो दौर भी आना शुरू हुआ, मिलना शुरू हुआ, और उसके बाद फिर इन लोगों से जो मैंने शिक्षाएं ली, वो शिक्षाएं आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं कुछ नहीं हूँ, एक सदस्य हूँ मात्र इस हरियाणा परिवार का, हरियाणवी संस्कृति का। लेकिन प्रकाश जी ने, नागेंद्र जी ने, इन लोगों ने हरियाणवी संस्कृति को एक वजूद दिया है, एक साधना की है अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। तो इनसे ही सीखकर आज सबसे पहले हम अपने परिवार पे ही लागू किया है। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने गुरु को अच्छा सम्मान दे पाया, और कोशिश करता हूं कि सभी गुरुओं को इस प्रकार से सम्मान मिलता रहे। और हरियाणा सरकार से भी यही अपील करना चाहूंगा, नागेंद्र सर भी यही हैं, कि जितने भी कला गुरु हैं उन सभी से, उनके जो छात्र हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उनको मिटने ना दें। और क्योंकि हरियाणा बहुत समृद्ध है और उसको और समृद्ध बनाने की हमें कोशिश करनी है। नागेंद्र सर, एक और चीज मैं आपसे चाह रहा था, यूथ से क्या अपील करना चाहेंगे और मंत्रालय इस कला को बढ़ाने के लिए नित नए क्या प्रयास कर रहे हैं? यूथ से मैं यही कहना चाहूंगा कि जुड़ें, कलाओं के साथ जुड़ें। मंच बहुत हैं, मंच की कमी नहीं है। हालांकि मैं अपना समय याद करता हूं तो DD1 के दौर के लोग हैं हम। क्या होता है? पहले इतने चैनल्स नहीं थे, अब चैनल्स बहुत हैं, मंच बहुत हैं, प्रतिभा दिखाने के अवसर बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारों की तरफ से कभी कोई प्रयास नहीं हुआ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आज आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का, जिन्होंने कभी भी इतने, ये 9 वर्ष हो गए, 9 वर्षों में मुझे याद नहीं आता कि उन्होंने कभी ना किया। जब भी उनके पास गए वो ये पूछते हैं और क्या करना है, क्या कलाकारों के लिए और क्या करना है। बहुत मतलब प्रदेश का मुखिया खुद प्रयास कर रहा है कि कला को कैसे बढ़ाना है। जी, और बल्कि वो कॉल करके बुला लेते हैं कि अब ये कार्यक्रम तुमने पिछली बार करवा लिया, अगला क्या स्टेप है, वो खुद पूछते हैं हमारे से। क्या बात है। और सबसे बड़ी बात है, बहुत समय से जो एक मामला लंबित पड़ा था कलाकारों की पेंशन का, तो मुझे लगता है शायद भारतवर्ष में सबसे ज्यादा जो पेंशन लागू होगी वो हमारे राज्य में होगी, 10,000 रुपये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनाउंस की। तो मैं आपके माध्यम से सभी कलाकारों की तरफ से भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, और इसी प्रकार से हम उनके आदेश के अनुसार कलाकारों के लिए नित नई प्रयास करते रहेंगे ताकि हमारी संस्कृति समृद्ध बने। और हमें ये टैगलाइन हटानी है कि फलां कला खत्म हो गई, मरने के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे है, इस टैगलाइन को मुझे खत्म करना है। और कलाकारों के प्रेम स्नेह और आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, इनका सहयोग, और मैं इनके लिए हमेशा तत्पर हूँ, यही है। क्या बात है भाई, जिस प्रदेश का मुखिया सोचता हो कि कला को कैसे बढ़ाना है और खुद इन्हें बुला करके पूछते हैं कि इस कला को कैसे बढ़ाना है, हरियाणा की संस्कृति को कैसे बचा सकते हैं, तो निश्चित तौर पे प्रदेश आगे बढ़ेगा। और जैसा कि नागेंद्र सर ने बताया था कि किसी भी देश की अगर तरक्की को खत्म करना है, किसी भी देश को खत्म करना है, तो उसकी संस्कृति को खत्म करते हैं, और यहाँ पे हम उस संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना केवल बचाने का बल्कि इतनी सुदृढ़ और सशक्त बनाने का कि पूरी दुनिया में हमारा डंका बच सके। जी, कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में थोड़ी सी हेल्प जो है वो हमारी आम जनता की भी चाहिए हमें, कि वो भी हमारा साथ दे ताकि हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ा सकें। इस प्रक्रिया के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, क्योंकि अभी जो पश्चिमी जो संस्कृति है उसका बढ़ावा ज़्यादा है, और हमारी जो, हम जो संस्कृति चाहते हैं, जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, उसके लिए हमें बहुत पुरजोर मेहनत करनी पड़ेगी। इस मेहनत की कड़ी में हमारे उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र पटियाला, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, हरियाणा कला परिषद इतना जोर लगा रहे हैं, तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ना कि हमें उनकी मदद लेनी चाहिए। क्योंकि अगर हम उनकी मदद करेंगे तो बहुत जल्द हम अपनी उस संस्कृति पे पहुंच जाएंगे जो बहुत
मतलब विशाल थी, और विशाल थी शब्द लगाना शायद गलत है, ये लगता है मेरे को विश्व गुरु बनने के लिए हर चीज हर लिहाज से जरूरी है, और उसमें संस्कृति भी अपना एक बखूबी योगदान निभाती है। हमारी जो विविधताएं है ना, उसी वजह से ही भारत जो है विश्व गुरु कहलाता है। जो विभिन्न आप रंग देख रहे हैं आज कार्यक्रम में, वो विभिन्न कार्य जो रंग हैं, विभिन्न भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उन सब से मिलके ही हमारा जो देश है वो विश्व गुरु बना है। और इतने सालों तक गुलाम रहने के बाद भी हमारा देश अपनी संस्कृति को संजोए रहा, उसका कारण यही था। वो कौन सी संस्कृति को मिटाना चाहते थे? वो तमिलनाडु जाते तो तमिल संस्कृति, वो हरियाणा में आते तो हमारी संस्कृति, वो कोई भी मिटा नहीं पाए, क्योंकि हमारी संस्कृति इतनी सुदृढ़, इतनी समृद्ध थी, और आज भी उतनी ही है, और कोशिश रहेगी कि ये बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। एक बात और मैं बताऊंगा सरकार के बारे में, नागेंद्र सर ने तो उत्तराधिकारी है, उनको सीएम साहब आदेश देते हैं, उनको पालन करना होता है, बट बींग ए आर्टिस्ट, मैंने मेरे ख्याल से सर ने सभी सीएम के सामने प्रस्तुति दी है, एक बार नहीं अनेकों बार, लेकिन जो खट्टर सर ने हमें तवज्जो दी है, बींग ए आर्टिस्ट, उन्होंने देखा हमें जिस आंख से, जितने प्यार से देखा, हमारे साथ परफॉर्म किया उन्होंने, जींद रानी तालाब की बात है, वो साथ में आ गए थे हमारे साथ, मतलब मुख्यमंत्री आपके साथ आए थे स्टेज पे, हमारे साथ परफॉर्म किया, वो इतना दिल से देखते हैं ना, फिर हमारे अंदर जो एनर्जी जो फूटती है ना, वो काबिले तारीफ होती है, वो कमाल होती है। ये तो बहुत खूब बात होती है, कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री और लोक कलाकारों के साथ इस तरह से हमने तो पहले कभी नहीं देखा। ये मेरे साथ कई बार हुआ है, क्योंकि मैंने राष्ट्रपति के सामने भी अपने मैडम प्रतिभा पाटिल थे उनके सामने परफॉर्म किया है, और अब्दुल कलाम जी के सामने परफॉर्म किया है, और हमारे सीएम तो जितने भी आए हरियाणा में सबके सामने लगभग परफॉर्म करने का मौका मिला, लेकिन जो मजा आया ना खट्टर सर के सामने, क्योंकि उन्होंने देखा है हमें और रिस्पॉन्ड किया है वो आंखों से गर्दन से, क्योंकि हम तो देखते रहते हैं, तो उसके बाद जो एनर्जी, तो इसके लिए उनका बारंबार धन्यवाद। मैम ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, गोहाना में आज एक जगह पे इतनी सारी स्टेट्स, भले ही चाहे नागेंद्र सर का प्रयास हो, किसी का भी प्रयास हो, लेकिन एक मंच यहाँ पे बाल भारती विद्यापीठ में बना, किस तरह से देखते हैं इन चीजों को, और शायद मेरे ख्याल से बहुत खुशी की बात ही होनी चाहिए। नमस्कार सर, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार, और इसको मैं अपने सौभाग्य के रूप में देखती हूँ, और ये मेरा सौभाग्य था कि इन लोगों से हम जुड़े, और किसी देश की संस्कृति, उसकी कला, उसकी लोक संस्कृति से ही होती है, और आप सबको पता है भारत देश विभिन्नताओं वाला देश है, विविधताओं वाला देश है, और उन विविधताओं के होते हुए एकता स्थापित करना, भारत अपने आप में इस बात में विश्व गुरु है। और स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित करने का मेन मकसद यही रहता है कि ये जो आज इन बिल्डिंगों के अंदर जो बच्चे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है, उनके अंदर वो भाव पैदा करना, उनके अंदर वो अलग अलग होते हुए भी वो एकता पैदा करना, वो सब स्कूलों में विद्यालयों में ही हो सकता है। तो सरकार की, केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, और हम सब उनके साथ जो काम करने वाले जो हम सहयोगी भाई हैं, उन सबको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को वो सब देखने का, वो सब परफॉर्म करने का मौका दिया, ताकि आगे जब नव भारत निर्मित होगा उसमें सभी अलग अलग कलाएं, अलग अलग संस्कृतियां एक होकर आगे आएंगी, और अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं है कि भारत, जो एक सोने की चिड़िया भारत था, जो एक विश्व गुरु भारत था, वो दोबारा फिर पूरे विश्व पर राज करेगा। क्या बात है, मतलब आज देखो कॉन्वेंट स्कूल का ट्रेडिशन चल पड़ा है नागेंद्र सर, और बाल भारती स्कूल जो है वो शायद कोशिश करता है, सुमन कौशिक जी हैं प्रिंसिपल, और बच्चों ने आज देखा किस तरह से हमारी अलग अलग कल्चरल एक्टिविटीज हो रही हैं, तो जिज्ञासा बहुत होगी बच्चों के अंदर भी। जिज्ञासा भी है सर, और इससे बच्चा सीखता है, जब हम जीके की बुक में पढ़ाते हैं कि पंजाब का डांस कौन सा है, उड़ीसा का कौन सा है, आज वो देख लिया प्रैक्टिकली, आज उन्होंने उसको प्रैक्टिकली देखा है, जिया है उस कल्चर को, तो इससे हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि विजुअलाइजेशन जो है वो हमेशा के लिए बच्चे को याद रहता है, उन्होंने सीखा है, जिया है उस टाइम को, तो वो अब शायद जिंदगी में कभी नहीं भूलेंगे। ये तो और एक तरह से वर्कशॉप भी होगी छोटे बच्चों। हाँ, ये एक तरह से वर्कशॉप की तरह हुआ, और इसके लिए मैं बिल्कुल तहे दिल से धन्यवादी रहूंगी लोक कला मंच की। थैंक यू आप सब।